मजाक और इस कोरोना के वजह से बहुत लोग उदास है, ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे। तो इसके लिए तो सरकार और आप लोग भी जानते हैं कि हाथ धोए और साफ सुथरा रहे, डिस्टेंस बना कर रखे लोगों के बीच। तो आज आप लोग कुछ मैं अपने चुटकुले से गुजरना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग क्या कहते हैं, सपोर्ट करेंगे और एंजॉय करेंगे। एक बार की बात हुआ क्या कि एक किसान अपने मक्का के खेत में रखवाली कर रहा था और साथ में रेडियो सुन रहा था। तो रेडियो सुन रहा था तो उसमें समाचार सुन रहा था। तो जब समाचार वो सुन रहा था, ठीक है, और वो लेटा हुआ था, समाचार सुन रहा था, उतने में हुआ क्या कि उसके बगल से एक आदमी गुजर रहा था और बोला क्या कि कैसा अखबार है, कैसा किसान है कि उसका फसल चल रहा है और ये यहाँ लेटकर रेडियो सुन रहा है। फिर क्या होता है, कोई किसान उठता है, लाठी उठाता है और रेडियो को एकदम मार मार करके गर्दा गर्दा उड़ा देता है। तो उस आदमी ने पूछा कि भाई तुमने रेडियो क्यों फोड़ दिया है। तो किसान बोलता है कि ये रेडियो पूरा दुनिया के समाचार बता रहा है और ये मुझे मेरे बगल में खेत चल रहा है उसका समाचार नहीं बता रहा है। चलिए, एक मरीज जाता है डॉक्टर के पास, एक मरीज आता है डॉक्टर के पास और वो मरीज जो रहता है ना वो शराबी रहता है। तो शराबी रहता है तो अपनी पत्नी के साथ डॉक्टर के पास जाते हैं। तो जब वहां पे जाते हैं तो डॉक्टर साहब पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो उसकी पत्नी बोलती है कि शराब का लत है, शराब छूटता नहीं है। तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं कि उसको इत्मीनान से कुर्सी बैठा देते हैं और एक गिलास में पानी और एक गिलास में शराब लेकर के आते हैं, उनके सामने रख देते हैं। रखने के बाद वो एक कीड़ा को पकड़ के लाते हैं, केचुआ पकड़ के लाते हैं और वो पानी में रखते हैं तो तैरने लगता है। और उसके बाद फिर क्या करते हैं कि उस केचुआ को निकाल करके शराब को बोतल में रख देते हैं। तो जैसे ही शराब में रखते हैं तो वो जल करके मर जाता है। मरने के बाद डॉक्टर साहब ने जो शराबी था, मरीज था, उससे पूछे कि इससे आप क्या समझे। तो जो पेशेंट रहता है वो जवाब देता है कि डॉक्टर साहब हमें इससे यही सीख मिला कि जहां पे हमको एक बोतल पीना चाहिए वहां पे मैं कल से दो बोतल पिया करूंगा। तो बोले कि ऐसा क्यों। तो मरीज बोलता है कि देखिए दारू पीने से सारा कीड़ा मकोड़ा मर जाता है, मेरा पेट हमेशा साफ रहता है। He tried it. चलिए आपको एक ठो में अद्भुत चुटकुला सुना रहा हूँ। ये चुटकुला अभी का नहीं, जिस समय अंग्रेज यहाँ पे राज कर रहे थे उस समय का। एक्चुअली हुआ क्या कि अंग्रेज का जिस समय राज था उस समय यहाँ पे जब सीतामढ़ी आप लोग जाते हैं तो
राजोपट्टी से होकर के जाते हैं मैसौल चौक, तो मैसौल चौक का जो गोलंबर है ना, वहां पे गोलंबर पे अंग्रेजी पुलिस, अंग्रेज पुलिस था जिस समय, हमारा देश गुलाम था उस समय। अब वहां पे क्या हुआ कि एक लड़का अपनी मम्मी को मोटरसाइकिल में बैठा करके वहां से मैसौल चौक होकर वो जाने की कोशिश कर रहा था, मतलब जा रहा था। हुआ क्या कि मैसौल चौक जानवे करते हैं वहां पे खड्डा रहता है हमेशा, तो खड्डा में क्या कहते हैं उसका अगला चक्का पड़ गया और वहां पे दोनों गिर गया। गिरने के बाद हुआ क्या कि अंग्रेज जो पुलिस था वो आया और कहता है, हे मैन व्हाट हैपेंड, तो अब उसकी मम्मी सोच रही कि इसको जवाब कैसे दे, इंग्लिश में कैसे दे कैसे दे। लेकिन कोशिश करती है, वो कोशिश कैसे करती है, वो कहती है क्या कि माई लौंडा ग्रिंगिंग पोंडा विथ हीरो होंडा। बात है कि जंगल में सभी जानवरों का सभा लगा हुआ था, सभी जानवरों का सभा लगा हुआ था। शेर इत्मीनान से ऊपर बैठा हुआ था, राजा है इत्मीनान से ऊपर बैठा हुआ था, बगल में लोमड़ी और भी सारे सारे जानवर वहां पे जंगल में सभा लगा हुआ था, वहां पे सब उपस्थित थे। इसी दौरान हुआ क्या कि भालू ने बड़ा लोमड़ी से कि भाई मीटिंग तो बहुत हो गई, एक आध तो जोक सुना। तो लोमड़ी ने क्या किया कि जोक सुनाया। जब लोमड़ी ने जोक सुनाई उसके बाद हुआ क्या कि सभी जानवर खूब हंसे लेकिन गधा नहीं हंसा। उसके बाद हुआ क्या कि जब सभी को जोक अच्छे लगे तो भालू ने कहा फिर कि लोमड़ी भैया एक और जोक सुनाइए। तो लोमड़ी ने क्या किया कि खुशी में एक और जोक सुनाया। जोक सुनाने के बाद हुआ क्या कि सारे जानवर नहीं हंसे और गधा जोर जोर से हंस रहा था, गधा जोर जोर से हंस रहा था। तो भालू से पूछा कि तुम हंस क्यों रहा है इतना, तो गधा बोला हमको पहले वाला अभी समझ में आया है।